हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के हाथ दक्षिण का तेलंगाना लगा। ऐसे में कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। पार्टी हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में हार पर बैठकें कर रही है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले अपनी कमियां दूर करने के लिए पार्टी के पास वक्त 6 महीने से भी कम बचा है। लोकसभा चुनाव के लिए टाइम्स नाउ ETG ने ताजा सर्वे किया। इस सर्वे में आए नतीजों ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी तीसरी बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है। इस सर्वे में बीजेपी अपने दम पर 308 से 328 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन बहुमत से कोसों दूर है। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 52 से 72 लोकसभा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि समूचे इंडिया गठबंधन को केवल 163 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन में मोटे तौर पर कांग्रेस के अलावा TMC, वामपंथी दल, JDU, RJD, NCP और SP जैसी पार्टियां शामिल हैं। यह अलग बात है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही हैं। देखिए, मैंने कहा जो बात खत्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीते और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ करें। अखिलेश जी की बड़ी भूमिका है और वो बड़ी भूमिका रहेगी और लोकदल में और सभा में कोई तालमेल में कोई कसर कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, जो अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ठीक सटीक बात कही थी कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और दूसरे घटक दलों को साथ लेके। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार में उत्तर प्रदेश एक बार फिर बड़ी भूमिका निभाता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी को राज्य में 70 से 74 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है, जबकि यूपी में संभावित इंडिया गठबंधन को महज 4 से 8 सीटों पर जीत हासिल करने का अनुमान दिखाया गया है। यानी ये आंकड़े अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। इस सर्वे में यूपी में कांग्रेस, SP और RLD मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला कर पाने में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि बीजेपी को पटखनी देने के लिए इंडिया गठबंधन में बात बन पाएगी। इंडिया गठबंधन मिलकर के ही 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बना था, तो 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। देखो, PDA रणनीति है, PDA में तो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के, पिछड़े हैं, दलित हैं, अगड़े भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, उपेक्षित लोग हैं, तो ये सब इकट्ठा होकर के PDA एक रणनीति के तहत और इंडिया गठबंधन है, तो ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ा संकट साझा रणनीति का अभाव होना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने के लिए ठोस मुद्दों की तलाश जरूर कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशों में एकरूपता का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। अखिलेश यादव प्रदेश स्तर पर सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी कोशिशों में निरंतरता का अभाव देखा जा सकता है। अगर बात कांग्रेस की करें तो पार्टी विपक्षी दलों के साथ अपने संबंधों को ठीक से परिभाषित नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में अजय राय अपनी कोशिशें करते दिखाई देते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा राज्य में करीब 1.5 साल से गायब सी हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े और चुनावी लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आज तक।